यूपी के फतेहपुर जिले में एक बार फिर गौकशी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में मदरसे के पीछे स्थित तालाब के आसपास भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस व खाल बरामद हुआ है। इस खबर के बाद इलाके में बवाल मच गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने मदरसे पर धावा बोलकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मदरसे के आसपास भारी मात्रा में मांस मिला है। इस खबर के फैलने के बाद पूरे इलाके के लोग मदरसे के पास जमा हो गए और तोड़फोड़ करने लगे और उसके बाद मदरसे को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए आनन-फानन में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि मौके वारदात पर जो मांस बरामद हुआ है वो प्रतिबंधित है या नहीं, इसकी जांच में पुलिस जुट गई है और पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी लोगों से संयम रखने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल गांव में पुलिस ने मार्च शुरू कर दी है, लेकिन गांव में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। तहसील जिंदगी का ग्राम है, इस ग्राम में कल आपत्तिजनक मांस बरामद हुआ था जो तालाब के किनारे। इस संबंध में जो है तत्काल मौके पर फोर्स भेजी गई और जो आपत्तिजनक मांस था उसका सैंपलिंग कराया गया और जिंदगी थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। कथित नाम जो प्रकाश में आए थे उनके विरुद्ध किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। जो आज की घटना है, आज ये सूचना लोगों के बीच में आई कि जो उसके अपोजिट तालाब के अपोजिट जो मदरसा है ग्रामीण, उसमें गौमांस या आपत्तिजनक मांस जो है मौजूद है। इसके आधार पर कुछ आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन लोगों ने उस पर जो है विरोध प्रदर्शन किया और इसी विरोध प्रदर्शन में जो ग्रामीण मदरसा है उसमें उसकी बाउंड्री वाल और टीन सेट को गिरा दिया गया। मौके पर पुलिस बल पर्याप्त रूप में तैनात कर दिया गया है। जो आसपास है शांति व्यवस्था कायम है, ऐसी कोई कानून व्यवस्था की कोई विपरीत स्थिति नहीं है। जो दोषी हैं उनका चिन्हांकन कर उनके विरुद्ध।